नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। इनकी संख्या भी करोड़ों में है। अब जहां एक तरफ इतने लोग उनकी सराहना करते हैं तो वहीं कुछ एक तबके ऐसे भी हैं जो खुलकर उनका विरोध करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में कोई और नहीं बल्कि अब खुद पीएम मोदी के भाई भी जुड़ गए हैं। जी हाँ, पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी पिछले काफी वक्त से कुछ मांग कर रहे हैं और मांग पूरी ना होने पर केंद्र की मोदी सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं और उन्हें घेर रहे हैं। दरअसल मोदी के भाई और ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए दिख रहे हैं। संगठन की 9 सूत्रों की मांगों को लेकर प्रहलाद मोदी सरकार के सामने आवाज उठा रहे हैं। प्रहलाद संगठन के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन की तरफ से नारे लगा रहे सदस्यों ने ये मांग की कि देश भर में पश्चिम बंगाल राशन मॉडल लागू किया जाए। इस दौरान प्रहलाद मोदी ने यह भी कहा कि जल्द ही AIFPSDF का प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपेगा। पार्लियामेंट घेराव के लिए ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के आह्वान पर दिल्ली में आ चुके हैं। आने का मकसद एक ही है कि हमारे राशन दुकानदारों ने 2014 में सोचा था कि देश का शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में आएगा तो हमारे कुछ सवाल हैं उस पर वो गौर करेगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने राशन बिक्री को सही बनाने के लिए परिवर्तन लाने का तो सोचा, वेचाण पद्धति में डिजिटल प्रथा दाखिल की, लेकिन मेरे राशन दुकानदारों की आय के मामले में कोई डिजिटल प्रथा नहीं लाए। इसीलिए हमें ये साहस करना पड़ा है कि नींद में सोती हुई ये सरकार मंच के सामने से बोलना और खाना मंच के सामने साथ में नहीं होता, हमने धीरज रखी। बता दें, प्रहलाद मोदी राशन डीलर से जुड़े होने के साथ साथ राशन की दुकान चलाते हैं। अब ऐसे में उनका आरोप है कि सरकार राशन डीलर्स की मांगों को नहीं मान रही है। कई बार गुहार लगाई गई लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है और इसीलिए अब उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रहलाद मोदी का कहना है कि राशन डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 9 मांगों को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा है। उनके मुताबिक दुकान चलाने में आने वाले खर्चे और महंगाई के दरमियान सिर्फ 20% का इजाफा करना उनके साथ एक बहुत बड़ा और भद्दा मजाक है। इसी सिलसिले में इस प्रतिनिधिमंडल की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी संभव मानी जा रही है। इस संगठन की मांग सिर्फ राशन मॉडल में बदलाव ही नहीं बल्कि उनकी कुछ ये भी मांगे हैं। जम्मू कश्मीर समेत सभी राज्यों के लिए सभी मार्जिन की तुरंत प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। 440 रुपए प्रति क्विंटल के मार्जिन के साथ 50,000 सालाना आय की गारंटी भी दी जानी चाहिए। चावल, गेहूं और चीनी के लिए 1 किलो प्रति क्विंटल की दर से नुकसान की अनुमति दी जानी चाहिए। मूल्य दुकानों के जरिए खाद्य तेल और दालों की पर्याप्त आपूर्ति की जानी चाहिए। LPG गैस सिलेंडर की आपूर्ति उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से की जानी चाहिए। देखा जाए तो प्रहलाद मोदी के साथ सैकड़ों राशन डीलर्स मोदी के विरोध में दिख रहे हैं। वैसे आपको बता दें, प्रहलाद मोदी और पीएम मोदी की मुलाकात पिछले 8 सालों से नहीं हुई है। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रहलाद मोदी ने कहा था, नरेंद्र भाई बार बार बोल रहे हैं परिवारवाद से दूर रहो, उसका पहला चरण ही यही है कि मैं माँ को मिलने जाऊंगा तो मेरा परिवार दिखाई नहीं देगा। इस सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और हम उनको अनुमोदन देते हैं। हम कभी आग्रह नहीं करते कि भाई आया है तो मैं भी खड़ा रहूं। हम परिवारवाद मानते नहीं हैं, इसलिए हम जंतर मंतर पर राशन दुकान वालों के साथ धरना करने वाले हैं। भाई का नाता तो रहा ही नहीं है, परिवारवाद से तो वो दूर है। अपने भाई पीएम मोदी से मुलाकात के सिलसिले में प्रहलाद मोदी ने कहा, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनसे 3 बार मुलाकात की, 2 बार संगठन के नाते गया गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलने और 1 बार भाई ने मुझे बुलाया था, उस टाइम मैं भाई को मिलने गया था। 3 बार गया, उनमें से भाई से मिलने बस 1 बार गया और 2 बार तो मुख्यमंत्री से मिलने गया। जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो 1 बार भी नहीं मिला हूं और इच्छा भी नहीं है कि मिलूं। मैं जाकर पूछूंगा क्या,
मैं तो इतना ही पूछूंगा कि भाई कैसे हो, तबियत कैसी है। आज वो इंसान इतना बड़ा हो गया है जिसके पास दुनिया की चिंता है, हम जाकर क्या उसका टाइम बिगाड़ने के बारे में सोचें। बहरहाल अब देखना होगा सत्ता में बैठे पीएम मोदी क्या इस तरफ कोई फैसला लेंगे। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।